नमस्ते, मैं मेगा न्यूज मूवमेंट हिंदी में आज की सुर्खियां खबर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की टीएमसी सांसद महुआ मैत्रा के साथ तस्वीरें वायरल हो रही। बराक ओबामा ने गांजा में कार्रवाई पर इसराइल की को चेतावनी दी। दिल्ली की हवा हुई बेहद खराब, लेकिन सबसे खराब स्थिति अभी बाकी है। दशमी की शाम हिंदुस्तान केबल्स के जलाशय कोमा टीरेडी राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी पार्टी छोड़ी, कांग्रेस में शामिल हुए। चार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। मुनू गोडे के पूर्व विधायक कोमा टीरेडी राजगोपाल रेड्डी ने घोषणा की कि उन्होंने पार्टी में इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के विकल्प के रूप में उभरने में विफल रही। भाजपा द्वारा घोषित उम्मीदवारों की पहली सूची में कोमा टीरेडी का नाम शामिल होने नहीं होने के कुछ दिनों बाद यह बात सामने आई है। कोमा टीरेडी 3 अगस्त 2022 को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। 2018 के विधानसभा चुनाव में कोमा टीरेडी ने कांग्रेस के टिकट पर मुनू गोडे से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। उन्होंने भाजपा के टिकट पर बहुप्रतीक्षित मुनू गोडे उपचुनाव लड़ा, लेकिन कोई प्रभाव डालने में असफल रहे क्योंकि BRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने उपचुनाव जीत लिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी, तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। 3 दिसंबर को होगी आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609773040। दशमी की शाम हिंदुस्तान केबल्स के जलाशय से शव बरामद किया गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। पूजा के दौरान वह 2 पैसे अतिरिक्त कमाने की उम्मीद में दुकान पर काम करने आया और फिर घर नहीं लौटा, उसका शरीर वापस आ गया। घटना सलानपुर थाना अंतर्गत रूप नारायणपुर चौकी क्षेत्र में हिंदुस्तान केबल्स में हुई। यहाँ रूप नारायणपुर में चितरंजन तक मुख्य सड़क हिंदुस्तान केबल्स रोड के किनारे कई दुकानें बनी है। इसी बीच झारखंड के मिहिजाम थाना क्षेत्र के बागजूरी गांव का परिमल रासारन 46वें दिन एक खाद दुकान में काम करने आया। उन्हें 6ठी से 9वीं कक्षा तक काम करना था। इसी बीच 23 अक्टूबर के बाद से परिमल का पता नहीं चल सका। 24 अक्टूबर को उसकी पत्नी बागजूरी गांव स्थित घर लौट आई। उसे लगा कि परिमल वापस घर चला गया है, लेकिन वहां उसे न देख पाने पर उसने मामले की सूचना हिंदुस्तान केबल्स की दुकान पर दी। इसके बाद सभी लोग परिमल को ढूंढने लगे। आखिरकार आज शाम करीब 5 बजे उनका शव हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री के बगल के तालाब में मिला। खबर मिलते ही रूप नारायणपुर पुलिस शव को बरामद कर चौकी ले गई। इसी बीच परिमल के भाई देवलाल सोरेन ने पुलिस को लिखित रूप से घटना की जानकारी दी और कहा कि परिमल किसी अस्वाभाविक स्थिति के कारण पानी में गिर गया होगा और परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो गई होगी। पुलिस की प्रारंभिक धारणा है कि लापरवाही से पानी में गिरने से मौत हुई है। शव के पोस्टमार्टम से मौत की असली वजह सामने आई। इसी बीच जिस दुकान में परिमल अस्थायी रूप से काम करने आया था, उसके मालिक तन्मय ने कहा कि परिमल पूजा के मौसम में 4 दिनों के लिए काम पर आया था। 23 अक्टूबर को परिमल अपना पवन गंडा लेकर दुकान से चला गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल।
713301. Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Shehnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Organic, Radha, Sugar, Lakme, Vaseline, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. इजराइल और हमास के बीच युद्ध में मानवीय संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र में मंगलवार को मांगें बढ़ गई, लेकिन अपीलों को अनसुना किए जाने की संभावना थी क्योंकि हमास ने इजराइल पर अधिक रॉकेट दागे और इजराइल ने गांजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी तेज कर दी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिलव्यू हॉस्पिटल द्वारा। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ युद्ध विराम के लिए कैसे सहमत हो सकते हैं जिसने के अस्तित्व को मारने और नष्ट करने की कसम खाई है? कैसे इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक बुलाई जिसमें कई विदेशी मंत्री शामिल हुए? हमास के 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमलों जिसमें इजराइल में 1400 लोग मारे गए थे के लिए अनुपातिक प्रतिक्रिया के आह्वान पर कोहेन ने कहा कि एकमात्र अनुपातिक प्रतिक्रिया हमास का संपूर्ण विनाश है। उन्होंने कहा कि यह इजराइल का अधिकार और कर्तव्य दोनों है। कोहेन ने कहा, यह युद्ध हम पर थोपा गया था, हमने इस युद्ध को नहीं चुना है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, हम इसे जीतने जा रहे हैं क्योंकि यह युद्ध जीवन के लिए है, यह युद्ध अपना भी युद्ध होना चाहिए। उन्होंने हमास के साथ संबंध रखने वाले कतर से 200 से अधिक इजरायली और विदेशी बंधकों को रिहा कराने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने का भी आह्वान किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हमास के आतंकी हमले को स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र नागरिकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर सहमत है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक, नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8 9 1 8 9 4 0 8 6 8। आसनसोल में विजयादशमी पर निकला अखाड़ा, हैरत अंगेज करतब, आकर्षक झांकियां। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। विजयादशमी के अवसर पर आसनसोल में मंगलवार किसान महावीर अखाड़ा विभिन्न क्षेत्रों से निकाला गया। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से शिल्पांचल में विजयादशमी का त्यौहार संपन्न हुआ। आसनसोल जीटी रोड पर शहर के विभिन्न इलाकों से आया अखाड़ा पहुंचे। जीटी रोड पर अखाड़ा कमेटी के खिलाड़ियों ने हैरत अंगेज कर्तव्य भी दिखाया। युवकों के साथ युवतियां ने भी कर्तव्य दिखाया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस, TMC नॉर्थ ब्लॉक एवं आसनसोल बाजार कमेटी, जिला TMC, आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस, प्रोग्रेसिव एकता मंच, भाजपा व्हिप, आसनसोल सब्जी बाजार कमेटी, आसनसोल महावीर स्थान दुर्गा पूजा और अखाड़ा कमेटी, मारवाड़ी युवा मंच समेत विभिन्न संगठनों ने शिविर लगाए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल, 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। भरतपुर में जमीन विवाद में युवक की ट्रैक्टर से उछलकर हत्या। समाचार का यह भाग प्रायोजित SK इन्फोकॉम द्वारा। बेहद परेशान करने वाली और चौंकाने वाली घटना में राजस्थान के भरतपुर जिले के बयान
ना शहर में दो पक्षों के बीच भूमि विवाद को लेकर एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। यह चौंकाने वाली घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पीड़ित को बार बार ट्रैक्टर से कुचला जा रहा है, जिससे उसकी दुग्ध मौत हो गई। मृतक के परिवार को ड्राइवर से उन पर ट्रैक्टर न चढ़ाने की गुहार लगाते भी देखा जा सकता है। वे ड्राइवर के सामने गिड़गिड़ाते रहे और रोते रहे, हालांकि उसने उनकी अपील पर ध्यान नहीं दिया और अपने ट्रैक्टर से कई बार कुचलने के बाद उस व्यक्ति की हत्या कर दी। जैसे ही घटना सामने आई कर दर्शक घटना को कैमरे पर रिकॉर्ड करते रहे, लेकिन कोई भी ट्रैक्टर चालक को मदद करने और मृतक को बचाने के लिए आगे नहीं आया। युवक की रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या के पीछे जमीन विवाद बताया जा रहा है। यह सामने आया है कि बहादुर गुर्जर और अतर सिंह गुर्जर के बीच अड्डा गांव में जमीन के एक टुकड़े को लेकर गहन कानूनी लड़ाई चल रही थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि बुधवार सुबह दोनों पक्ष सामने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई और मामला बढ़ गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर और लाठियों से वार करने लगे। बहादुर गुर्जर ने अतर गुर्जर को अपने ट्रैक्टर के नीचे कई बार कुचला, जिससे अतर गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. हर साल की तरह इस साल भी राज्य भर के साथ साथ आसनसोल गांव में भी दुर्गा पूजा की दशमी के दिन सिंदूर खेल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। सिंदूर खेल के अवसर पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सिंदूर खेल में भाग लेती हैं। हजारों महिलाएं माँ दुर्गा के आशीर्वाद के साथ एक दूसरे को सिंदूर में रंगती हैं। जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना हजारों महिलाएं सिंदूर खेल में भाग लेती हैं। सचिन रॉय ने सभी को विजयादशमी की बधाई दी और माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि सभी के जीवन में सुख और शांति आए और माँ सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारे। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। दिल्ली की हवा हुई बेहद खराब, लेकिन सबसे खराब स्थिति अभी बाकी है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। दिल्ली साल भर में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, लेकिन किसानों द्वारा फसल के अवशेषों को जलाना, हवा की कम गति और त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ना सहित विभिन्न कारकों के कारण सर्दियों में इसकी हवा विशेष रूप से जहरीली हो जाती है। प्रदूषित हवा हर साल दिल्ली वासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। 101 और 200 के बीच के स्तर को मध्यम माना जाता है, जबकि 201 और 300 के बीच के स्तर को खराब श्रेणी में रखा जाता है। 300 से अधिक को बहुत खराब की श्रेणी में रखा जाता है और 500 से अधिक के आंकड़े को गंभीर माना जाता है। भारत के मौसम विभाग के वैज्ञानिक वीके सोनी ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहने की उम्मीद है। निवासी भी शहर में विशेषकर सुबह के समय धुंध को लेकर शिकायत कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव से निपटने के लिए ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू किया गया है। मंत्री ने कहा कि अब तक पहचाने गए 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट के अलावा 8 अन्य स्थानों पर विशेष टीमें तैनात की जाएंगी, जहां उच्च प्रदूषण स्तर दर्ज किया जा रहा है। पराली जलाने, जो प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत भी है, ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अभी तक गति नहीं पकड़ी है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके तेज होने की आशंका है। पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान अगले बुआई चक्र के लिए अपने खेतों को खाली करने के लिए फसल के अवशेषों को जला देते हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश मैथ्स आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832239611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुद्धा हजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल।
बराक ओबामा ने गांजा में कार्रवाई पर इसराइल को चेतावनी दी। समाचार गाजियाबाद प्रायोजित एंजल द्वारा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि हमास के खिलाफ युद्ध में इसराइल की कुछ कार्रवाइयाँ जैसे गाजा के लिए भोजन और पानी में कटौती पीढ़ी के लिए फिलिस्तीनी रवैये को सख्त कर सकती है और इसराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को कमजोर कर सकती है। सक्रिय विदेश नीति संकट पर दुर्लभ टिप्पणियों में ओबामा ने कहा कि कोई भी इजरायली सैन्य रणनीति जो युद्ध की मानवीय लागतों को नज़रअंदाज करती है अंततः उसका उल्टा असर हो सकता है। गाजा में बंदी नागरिक आबादी के लिए भोजन पानी और बिजली में कटौती करने के इजरायली सरकार के फैसले से न केवल बढ़ते मानवीय संकट का खतरा है, यह पीढ़ियों के लिए फिलिस्तीनी रवैये को और भी सख्त कर सकता है, इसराइल के लिए वैश्विक समर्थन को कम कर सकता है। ओबामा ने कहा इसराइल के दुश्मनों के हाथ और क्षेत्र में शांति और स्थिरता हासिल करने के दीर्घकालिक प्रयासों को कमजोर करेंगे। हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए गए हमले में 1400 से अधिक लोगों को मारे जाने के बाद से इसराइल ने गाजा पर हवाई हमलों से भारी बमबारी की है। गाजा अधिकारियों का कहना है कि इसराइल के हवाई हमलों में 5000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ओबामा ने हमास के हमले की निंदा की और उसे युद्धों में नागरिकों को होने वाले खतरों के बारे में आगाह करते हुए इसराइल के अपनी रक्षा के अधिकार के लिए अपना समर्थन दोहराया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय डी के लाल सर यादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। कॉल नाउ 9828224975। व्हाट टू बी अ डॉक्टर होल्ड द हैंड्स ऑफ एन एक्सपर्ट। रेगुलर क्लासेस 11-12 ऋषि अरविंद नगर बिरला रोड कुलटी पश्चिम बर्धवान वेस्ट बंगाल। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ तस्वीरें वायरल हो रही। थरूर ने इस मामले में सोमवार को अपना बयान जारी किया है। उन्होंने उसे चीप पॉलिटिक्स का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि तस्वीरों को क्रॉप करके पेश किया जा रहा है, यह महुआ के जन्मदिन की तस्वीरें हैं, वहाँ मेरे अलावा 15 और लोग मौजूद थे जिन्होंने तस्वीर से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा इन तस्वीरों को प्राइवेट मीटिंग बताकर वायरल किया जा रहा है जबकि इस पार्टी में मेरी बहन भी मौजूद थी। महुआ मुझसे 20 साल छोटी है, वह मेरी बच्ची जैसी है। वायरल हो रही तस्वीरों को लेकर महुआ ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा बंगाल की महिला जीवन जीती है, झूठ नहीं, इन तस्वीरों को भाजपा की ट्रोल सेना फैला रही है, ये मेरी निजी तस्वीरें हैं, फोटो को क्रॉप करके शेयर किया गया है। महुआ ने सिगार पकड़े हुए अपनी तस्वीर को लेकर तस्वीरों में शामिल बाकी लोगों को क्यों हटा दिया गया है जो रात के खाने के समय वहां मौजूद थे, अगर दिखाना ही है तो सभी लोगों की फोटो दिखाई जाए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830। अब अंत में समय है मोमेंट का एसएमएस का। यू कैन नेवर रियली अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल अनलेस यू आल्सो अंडरस्टैंड द सोसाइटी हिस्टोरिकल टाइम पीरियड इन विच दे लिव पर्सनल ट्रबल्स एंड सोशल इश्यूज। आप वास्तव में किसी व्यक्ति को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप उस समाज के ऐतिहासिक कालखंड को भी नहीं समझ लेते जिसमें वे व्यक्तिगत परेशानी और सामाजिक मुद्दों को जीते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।